मन में चोट फांसी के परपार प्रेम त्याग नहीं उनका प्रकम्य अधिकार वंदे मातरम। और किसी राजनीति वाले दल की बपौती नहीं भारतीयता का है दुलार वंदे मातरम। भारतीयता का है दुलार वंदे मातरम। और बंधु या स्वतंत्रता का मूल मंत्र है प्रकम्य कीजिएगा तार तार वंदे मातरम। और ग्रहण करोगे इस देश का जो अन्न जल कहना पड़ेगा बार बार वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं मीडिया 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आईपीएस शशि मोहन सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप कई फिल्मों में एक्टिंग हीरो का रोल भी कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। मैं पूरे मीडिया 24 न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ नेहा दुबे जी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कवित्री हैं, आप बेबे तरह से हमारे बीच आती हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साहित्य कैफे के कार्यक्रम की यहां मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं दिव्या नेहा दुबे के क्यों आएँ और हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। दिव्या नेहा दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मनोज जी, और इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं देश के लिए कुछ अपने शब्द अपने विचार एक गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ कि और एक बात भी ये कहना चाहती हूँ कि आज तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा तक पहुँच गई है और इस समस्या के समाधान की कुछ पंक्तियाँ मैं अपने गीत के माध्यम से आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। आओ मिलकर देश को महान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। आओ मिलकर देश की पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए, तो इस पर चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि विश्व गुरु कहलाता है ये देश मेरा सदियों से, विश्व गुरु कहलाता है ये देश मेरा सदियों से, ज्ञान मिला है दुनिया को वेद मुनि और ऋषियों से, वही ज्ञान के स्रोत की हम खान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर आज लोग सत्ता पाना चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सत्ता को ठुकरा कर कितने लोग महान हुए हैं, तो इस पर पंक्तियाँ रखती हूँ कि सत्ता को ठुकरा कर भी कितने लोग महान हुए, सत्ता को ठुकरा कर भी कितने लोग महान हुए, राम गौतम महावीर जी त्याग से ही भगवान हुए, राजनीति में आदर्शों का स्थान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। और यहाँ तक की बात अब आस्था पर भी आने लगी है कि आस्था के नाम पर हम आज रंगों का भी राजनीतिकरण करते जा रहे हैं, तो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। भगवा हरा सफेद रंगों के भी देखो झगड़े हैं, भगवा हरा सफेद रंगों के भी कितने झगड़े हैं, वैज्ञानिक युग में भी देखो हम कितने पिछड़े हैं, मानवता को ही मजहब का निशान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुमधुर कंठ से इतना बढ़िया आपने सुनाया।
आइए अब हम चलते हैं एक आईपीएस ऑफिसर की तरफ। एक पुलिस वाला जब कविता लिखता है तो कैसे लिखता है, मैं मीडिया 24 न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ शशि मोहन सिंह जी। सर, दिव्या जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और इनकी कविता में धर्म को लेके जो विषमताएं हैं, विडंबनाएं हैं, वो दर्द छलक रहा था। मैं ये कविता उसी भाव की पुनरावृत्ति करते हुए, और कविता का शीर्षक है अब्दुल तू दिल से दिवाली मनाना। अब्दुल तू दिल से दिवाली, ये धर्मों का तूतू, ये मजहब का मैं, ये धर्मों का तूतू, ये मजहब का मैं, चलो इनको छोड़ो बहुत हो चुका है। ये मंदिर की घंटी से लड़ती अजाने, इन्हीं शोरगुल में खुदा खो चुका है। जरा गौर से तुम इतिहास पढ़ना, जरा गौर से तुम इतिहास पढ़ना, हम धर्मांध या फिर जिहादी लगेंगे, ये आदम के बच्चे हैं खंजर उठाए, हम हिंसा के प्यासे और खूनी लगेंगे। क्या लाशों के पर्वत पे बैठेगा ईश्वर, क्या लाशों के पर्वत पे बैठेगा ईश्वर, गर्दने कब तलक की यूं ही कटती रहेगी, सूली से लेके सलीबों पे लटकी मानवता ये कब तक भटकती रहेगी। तो चलो द्वार खोले हम अपने हृदय का, तो चलो द्वार खोले हम अपने हृदय का, हो मोहब्बत का मंदिर खुदा का ठिकाना, जो रमजान आए रमन्ना दे दावत, अब्दुल तू दिल से दिवाली मनाना, अब्दुल तू दिल से दिवाली मनाना। थैंक यू। और चूंकि ये देशभक्ति का माहौल चल रहा है और मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता हूँ, तो मैं ये कविता देश के उन वर्दीधारी सैनिकों के नाम जो आर्मी में पुलिस में रहकर देश के बाहर के दुश्मनों के साथ और देश के भीतर के दुश्मनों के साथ जंग लड़ रहे हैं, ये मेरी पूरी कविता देश के उन तमाम शहीदों के नाम समर्पित है। कविता का शीर्षक है वर्दी का रागी, कि मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, कि मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। कि जब अनाथ का साथ देती, कि जब अनाथ का साथ देती वर्दी फिर वरदान लगे, जब दुष्टों का संहार करे वर्दी फिर भगवान लगे, जब चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसी लगती है, जब करती नमन तिरंगे को वर्दी फिर सम्मान लगे, कि है गर्वीली वर्दी ये वर्दी का गौरव गाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। कि जब गर्म रजाई तकिए पर, जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है। कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है, जब एसी कूलर पंखों में गर्मी का रोना रोते हो, तब कड़ी दोपहरी सड़कों पर ये लू के थपेड़े सहती है। अरे वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कवच बताता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। और आखिरी में शहीदों को, जैसा कि मैंने कविता के शुरू में कहा था कि ये पंक्तियाँ शहीदों को समर्पित है, कि वो बात आती है कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, कि वतन की खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, जान हथेली पर लेकर अपनी जवानी दे डाली। अरे याद करो संसद का हमला, या आतंक से सहमी मुंबई को, दुश्मन को चटाया धूल वहां, वर्दी की निशानी दे डाली। जब वर्दी लिपटे तिरंगे से वर्दी पे शीश नवाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धत की आग दिखाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्दी का रागी हूँ मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, इतनी बढ़िया कविता यानी शशि मोहन सिंह जी ने पढ़ी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। चलिए मैं साहित्य प्रवाह के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ जो दूसरी अतिथि दिव्या नेहा दुबे हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें फिर से आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और हमारे दर्शकों को कुछ बढ़िया सा सुनाएं। दिव्या नेहा दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी जानते हैं कि हम अभी कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे थे और बहुत सारी अव्यवस्थाओं का सामना हम करे हैं,
तो कुछ पंक्तियाँ मेरे हृदय से जो निकली, मैं उसे अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच निवेदित करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि कैसा उस समय माहौल था, हम कैसे अपने घर पे दुबक कर बैठे थे। सुनिएगा, आहट नहीं न शोर यो चुपचाप है सभी, आहट नहीं है सो आहट नहीं न शोर यो चुपचाप है सभी, ड्रैगन की चाले और उसके पाप है सभी, एक बार उबर जाए सभी इस प्रकोप से, एक बार उबर जाए सभी इस प्रकोप से, छाती पे चढ़ेंगे तुम्हारे बाप है सभी, छाती पे चढ़ेंगे तुम्हारे बाप है सभी। और इस स्थिति में जिस तरीके से बखूबी से अपनी बुद्धिमानी का परिचय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, उस पर चार पंक्तियाँ उन्हों निवेदित करते हो कि कैसे उन्होंने लक्ष्मण की एक भूमिका का निर्वहन किया। स्वागत। निपटो सभी मिलके ना रेखा लांघो लखन की। उन्होंने नियम जो बनाए थे उस पर ये पंक्तियाँ हैं। निपटो सभी मिलके ना रेखा लांघो लखन की, ईश्वर से करो कामना तुम अपने वतन की, भड़काओ ना किसी को प्राण सबके प्यारे हैं, भड़काओ ना किसी को प्राण सबके प्यारे हैं, बेनूर ना हो जाए दमक अपने चमन की, बेनूर ना हो जाए दमक अपने चमन की। और हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है अपने नकली सामान के लिए हमेशा नाम किया है, लेकिन उसने ऐसी बीमारी भेजी जो एकदम असली थी और वो अभी तक हम झेल रहे हैं, तो उस पर चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। नकली सामान वाले चाइना ये क्या किया, नकली सामान वाले चाइना ये क्या किया, तूने कभी व्यापार असल का नहीं किया, तूने कभी व्यापार असल का नहीं किया, बेईमान तेरे खून में ये दुनिया जानती, बेईमान तेरे खून में ये दुनिया जानती, फिर वायरस असली बना के भेज क्यों दिया, फिर वायरस असली बना के भेज क्यों दिया। और इस विकट स्थिति का सामना प्रेमी जोड़ों ने भी बहुत झेला है, बहुत दूरियां उनके बीच आई, तो इस पर चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जो प्रेमी जोड़े लाइन को समझ पीछे, हाँ सुनिएगा। दिल की धड़कन ने बतलाया तुम खुश नहीं जनाब यहाँ, दिल की धड़कन ने बतलाया तुम खुश नहीं जनाब यहाँ, साथ साथ जीने मरने के चले गए हैं ख्वाब कहाँ, कोरोना से दुनिया रोई अपना रोना बहुत अलग, कोरोना से दुनिया रोई अपना रोना बहुत अलग, लॉकडाउन के चलते बढ़ते, लॉकडाउन के चलते बढ़ते हम कितने बेताब यहाँ, लॉकडाउन के चलते बढ़ते हम कितने बेताब यहाँ, हम कितने बेताब यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आपने सुनाया कोरोना पर, लेकिन इस कोरोना पर जिसने अपनी लाठी थाम कर बंदूक थाम कर हम लोगों को कोरोना से बचाया वो पुलिस वाले थे, और एक ऐसे ही पुलिस वाले जिनको कोरोना योद्धा के नाम से हम लोग जानते हैं, शशि मोहन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सीधे सीधे उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपने मन का जो भी हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं सुनाए। शशि मोहन सिंह, धन्यवाद। अभी दिव्या जी चाइना को निपटा रही थी, एक दुश्मन को उन्होंने निपटा दिया, पाकिस्तान बाजू में बचा हुआ, वाह, उसको निपटाने की जिम्मेदारी मिली। स्वागत 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 है। प्रसंग है सर्जिकल स्ट्राइक, हमने दो बार सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब ये कविता की पंक्तियां मैंने
लिखी थी और आज आपके मंच से मैं इसे निवेदित करता हूँ कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे और मीनारों पे चढ़ के बंदे वंदे मातरम जाएंगे। वाह। कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती, कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है, राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है, अरे गांडी वाले अर्जुन है हम राम कृष्ण के वंशज हैं, शांति दूत हम सब रस्ता के विषम समय विध्वंसक हैं, अरे मुरली की अब तान थमी शिव का तांडव दिखलाएंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम। कि कुटिल इरादों वाला तूने खेल घिनौना खेला है, कि कुटिल इरादों वाला तूने खेल घिनौना खेला है, हमने उरी भुगती है पठानकोट को झेला है। याद करिए पठानकोट का हमला, कि कुटिल इरादों वाला तूने खेल घिनौना खेला है, हमने उरी भुगती है पठानकोट को झेला है, अरे सौ सुनार की तेरी थी हमने लोहार सी मारी है, खाक सुपुर्दे पाक करेंगे अब तो ये तैयारी है, अरे तू रात में चांद को देखा है दिन में तारे दिखलाएंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम। कि जेहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान, डॉलर की भीख मांगने वाला पाकिस्तान, तो जेहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से, कायर हमलावारों से और जुबानी तलवारों से सौ सौ जख्म दिए तूने, भारत माँ के सीने में घुटन घुटन सी लगती थी, सम्मान नहीं था जीने में, अरे तभी तो सीमा पार हुए अब घर में घुस के मारेंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे। वाह वाह। और आखिरी में स्वागत कि माँ की आंख जो छलकी तो लो माँ के लाल भी जाग गए, भारत माँ की माँ की आंख जो छलकी तो माँ के लाल भी जाग गए, शेरों की टोली निकली तुम गीदड़ जैसे भाग गए, अरे हम नहीं डरते एटम से न तोपों से तलवारों से, बात बात में एटम धमकी धमकी, तब कहता हूं कि माँ की आंख जो छलकी तो लो माँ के लाल भी जाग गए, शेरों की टोली निकली तुम गीदड़ जैसे भाग गए, अरे हम नहीं डरते एटम से न तोपों से तलवारों से न तकरीरों की भाषा से जो न जुबानी तलवारों से, अरे सुन ले पापी पाक तुझे अब कब्रिस्तान बनाएंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब की बार जो भड़के लाहौर कराची जाएंगे और वहाँ तिरंगा गाड़ कर आएंगे, बिल्कुल आपकी मंशा, हमारी पूरे देश की यही कामना है कि लाहौर और कराची में कश्मीर की जैसे तिरंगा झंडा लहराए। मैं मीडिया 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साहित्य कैफे के कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की COVID-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, रायपुर।